हाँ बोलो चारू। सर पता नहीं कौन है सर, दो तीन लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। चारू तुम इस वक्त कहाँ पर हो? शिव मंदिर के पास हूँ, मंदिर के ऑपोजिट वाले रोड पर। देखो भाग रही है। चारू कहाँ गई? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं। चारू डरो मत, मेरी बात सुनो, मैं लड़कों को भेजता हूं। किसी दुकान में घुस जा। आ गई सर। हाँ जरा स्पीकर ऑन करना। क्या चाहिए तुम्हें? भैया प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बस कुछ देर के लिए इस लड़की को कहीं छुपाइए। मैं लड़के भेज रहा हूँ, प्लीज। ओ भाई ये धंधे का टाइम है, मैं ये सब नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। क्या बेटा तुम जवान लड़के हो ना, हिम्मत वाली बातें करो। बेटा मैं संभाल लूंगा, तुम घबराओ। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटे यहाँ कोई लड़की आई क्या? नहीं। मास्टर ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। भाई यहाँ पे कोई नहीं है। बेटा अंदर कहाँ जा रहे हो? यहाँ कोई नहीं है बेटा, बोला ना बेटा। ए बुड्ढे चुप कर रहो। तूने खुद दे दिया तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा, अगर मैंने खुद निकाला तो। रुकना मास्टर, इस लड़के को कहीं देखा मैंने। दीदी फोन उसकी तरफ घुमाओ जरा। ओए लंगड़े। ए बटन कैसा रे? अरे ये तो अपना लंगड़ा है यार, तू क्या कर रहा है वीडियो कॉल पर? ए तू मेरी दीदी के पीछे क्यों पड़ा हुआ रे? इधर दीदी है। हाँ बे। ए पता नहीं था यार, इसको टपकाने का मैसेज आया था इसलिए पीछा कर रहा था। वैसे इनका पीछा क्यों कर रहा है तू? क्या था वो कैमरा? हाँ इसके पास कोई कैमरा है, वो देने को बोल दे, मैं छोड़ दूंगा। दीदी वो जो मांग रहा है ना उसको दे दो, हम दूसरी तरफ से हैंडल कर लेंगे। हाँ ठीक है ना? दे दो ना दीदी। ए बटन मेरी दीदी को सॉरी बोले बिना ही जा रहा है, चल सॉरी बोल। सॉरी दीदी। ए तुम सब भी बोलो बे। सॉरी दीदी। ये हुई ना बात मास्टर, बात बन गई, दीदी अब सेफ है, आप उनसे बात कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। ना 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 यारो भरोसा करो या ना करो, मेरी बात मानो और मजा करो। ओए 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 ये जो तेरा बदन है जलवा, ये तेरी आंखें भी जलवा। ए कौन हो तुम लोग, आखिर कर क्या रहे हो? ये देख ये कैसा निशान है। ये ना यहाँ जो भी आता है ना उन लोग के तरीके देखकर दास भाई ट्रेनिंग देते हैं, फिर यहाँ से जाने के बाद ये निशान गुदवा लेते हैं। ये निशान दिखाओ ना जितना मन करे उतना खा सकते हो, बड़े लोग को तो दारू सिगरेट भी मिलती है, कपड़े की दुकान पर कपड़े खरीद सकते हैं, दवा दुकान पर नशे की पुड़िया मिलती है। लेकिन एक बात है, हमें ना बीच बीच में सरेंडर होने को भी बोलते हैं, मुझे नहीं होना इसलिए मैं पीछे खड़ा हूँ। नाम तो सुना है पर किसी ने उनको देखा नहीं है मास्टर, यहाँ सब कुछ दास भाई है, हमें उनका कहना मानना ही पड़ता है। नई फिल्म चल रही है क्या? होने को कहे तो आप बच के खड़े हो जाओ वरना उल्टा लटका देते हैं। ये बच कैसे गया? पता नहीं भवानी, लड़कों को कहा तो था लेकिन कैसे मिस हो गया। क्या करूं भाई इसका,
इसमें एक कार्ड जैसा होता है, हाँ। उसमें ही सारी वीडियो सेव होती है, हाँ। उसे निकाल कर उसे तोड़ कर कैमरा घर ले जाकर रख दे। हाँ, ठीक है। रिजल्ट कब निकलने वाला है? सोमवार या मंगलवार को बता देंगे शायद। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें किस बात की टेंशन है? खुश रहना चाहिए ना। और क्या? आ बैठ। ऑस्ट्रिच जानता है क्या? अरे शुतुरमुर्ग, वो ऐसी दिखती है ना बड़ी, उसका अंडा देखा है? काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा। वो अंडा देने वाली ही जानती है उसे निकालने का दर्द। इतना समझाने के बाद भी तू अब तक यहीं बैठा है? नहीं भवानी। चल निकल। ठीक है भवानी। भवानी, लड़के शराब पीने के लिए कह रहे हैं, तुम तो पीते नहीं हो इसलिए उन्हें। ठीक है, पीकर मरो, जाओ। थैंक्स भवानी। गुड नाइट। मेरा हाथ दिखाई दिया ना, मैं इधर आना ही नहीं चाहता था। चलना मास्टर, कल्टी मारते। सबके पीछे एक खास वजह है, तू रुक जा। अच्छा, तो इधर खाना खाने नहीं आए? सोचा था किसी कैंडल लाइट डिनर के लिए मुझे बुला रहे हो। हाँ, पिछली बार यहाँ आया था तो बिजली नहीं थी, कैंडल ही जला रखी थी इन्होंने। ठीक है ठीक है, ओके, रिलैक्स। जगह मत देखो, मैंने सुना है यहाँ खाना बढ़िया मिलता है। लगा था थोड़ी प्राइवेसी तो होगी। ठीक है, आंखें बंद करके अपना राइट हैंड दिखाओ। पर क्यों? दिखाओ, बताता हूँ। जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। अब खोलो। ये तो सलून में उस लड़के के हाथ पर था। ये जाकर उसे दिखाओ, खाने का टोकन मांगो। मैं किस लिए? ये सबके पीछे खास वजह है, दिखा दो। देखते हाथ में वो गुदा हुआ निशान देखते ही उसे जो भी चाहिए सब दे देते हैं, बाकी सब भवानी के लोग देख लेते हैं।